देखो भाई, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो खुद से कंडक्शन नहीं करते, लेकिन कंडक्शन करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इस टाइप के मटेरियल्स को क्या बोलते हैं? हम डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल्स अगर इनकी बात करूं मैं, फॉर एग्जांपल माइका, क्वार्ट्स, ठीक है, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको हम एज ए डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखो इसकी क्या लिख रखी है। डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटिंग मटेरियल विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल है जो अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रांसमिट कर देते हैं, पास करने देते हैं, विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इटसेल्फ। जो खुद से कंडक्ट नहीं करते लेकिन अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देते हैं। ऐसे मटेरियल्स जो हमने पहले देखा था कि जो जिनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होता उनको क्या बोलते हैं, हम इंसुलेटर्स बोलते थे। लेकिन डाई इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? खुद तो कंडक्शन नहीं करते लेकिन अपने में से कंडक्शन करंट को पास होने देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पास होने देते हैं। दूसरी डेफिनेशन, देयर आर द सब्सटेंसेज विच नेवर कंडक्ट देयर सेल्फ एंड ओनली ट्रांसमिट द इफेक्ट ऑफ कंडक्शन इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। टू टाइप्स के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं भाई हमारे पास, एक नॉन पोलर और एक पोलर। तो नॉन पोलर कौन से होते हैं? इन विच सेंटर ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस, क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस कंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। जैसे H2N2, कैसे बना सकते हैं इनका डायग्राम? देखो, जैसे ये हाइड्रोजन का एटम हो गया, ठीक है, और ये दूसरा भी क्या हो गया, हाइड्रोजन का एटम हो गया। इनका सेंटर है, ठीक है, इन सेंटर्स का जो कंसाइडिंग पॉइंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, नॉन पोलर, क्योंकि इसका कोई पोल ही नहीं बना। ठीक है ना, अगर इधर देखे पोलर की, इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कंसाइड बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिक शेप। अच्छा, इनकी कैसी शेप होती है? सिमेट्रिक शेप होती है इनकी, ठीक है, इनकी कैसी है? एसिमेट्रिक शेप है। जैसे देखो H2O का देखे हम, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, ठीक है, ये देखो इनकी शेप ये बन जाएगी। मतलब ये एक दूसरे के साथ कितने डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं? 105 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं। ठीक है, इनका कौन इनसाइड देखेंगे तो हम यहां मिलेगा कोई बीच में इस तरीके से, ठीक है। और जो हमारे डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। जो इस तरीके से कोइंसाइड करे, जिनका सेंटर कोइंसाइड ना करे, वो क्या कहलाते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, और ऐसे को क्या कहलाएंगे, नॉन पोलर, ठीक है। जिनके सिमेट्रिक शेप बने और जिनकी एसिमेट्रिक शेप बने उनको क्या बोलेंगे हम, पोलर, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स है HCl, H2O, NH3, CO, ठीक है, यहां पर है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, मीथेन, ठीक है। अब देखो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन को मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले भी आपको पहले वाले वीडियो में एक टॉपिक में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब अंदर हमने एक कंडक्टर रखा था तो उसमें क्या हो रहा था, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था, जिसको मैं क्या बोल रहा था, पोलराइजेशन भी हो रहा था। अगर मेरे पास ऐसे ही कोई एटम रखा है, ठीक है, एक मेरे पास कंडक्टिंग बॉडी रखी है और उसमें कोई एटम रखा है, इस एटम के यहां पर हमारे पास है क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है। अगर इस पर मैं, इस प्लेट पर मेरे पास चार्जेस है, इस साइड पॉजिटिव चार्ज है और इस साइड नेगेटिव चार्ज है, तो इस एटम में से या इस मटेरियल में से जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इधर आ जाएगा, वो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इधर चला जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, पोलराइजेशन तो हो रहा है कि एक पोल पॉजिटिव का हो गया और एक साइड नेगेटिव का हो गया, ठीक है, और इसमें डाइपोल मोमेंट जो होगी वो क्या कहाँ होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव होगी, ये कहलाता है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है। ये सारा उतार लेना। पोलर मतलब जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं दो टाइप के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। ये बहुत इजी चीज है, इसको टिपिकल मत बनाना कि पोलराइजेशन क्या होता है। अगर मान लो मेरे पास ये मटेरियल है एक, ठीक है, मेरे पास एक मटेरियल है, इस मटेरियल को मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूं, कंडक्टर है मेरे पास। जैसे ही मान लो मैंने इसको एक
मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब इसके अंदर रख दिया मैंने, इस मटेरियल पर इस साइड पर जो चार्ज होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये कहां रखा गया है, पॉजिटिव की तरफ, और इस साइड जो चार्ज होगा वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और फिर ये वाला सरफेस नेगेटिव, ये वाला सरफेस पॉजिटिव, तो पोलराइजेशन हो गया ना इसका, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे, ठीक है, टिल देन बाय।